चलो, कल किसी ने प्रैक्टिस करी है? दिशा ने भी नहीं करी है। ये वीडियो जो रिकॉर्ड हो रहा ना, तुम्हारा नाम आता आने वाले का ना, कितनी पीढ़ियां सुनेगी फिर, और रिकॉर्ड हो रही है वीडियो में। चलो बेटा, कल अपने 7th नंबर का क्वेश्चन कर लिया था, 8 ट्राई करा, 10,000 का डिफरेंस आ रहा ना। हाँ देख लेते एक बार क्या है, बुक ओपन करो। पेज नंबर 639 इंग्लिश मीडियम है बेटा, हिंदी मीडियम में देख लेना, अपन क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का। चलिए कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे देने लिखे कौन सी मेथड, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कहा दिए मेथड कौन सी है, एक्टिविटीज करना ना अपने को, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे दिया है तो ये तो पता चल गया, अब कौन सी मेथड लगेगी, इनडायरेक्ट मेथड है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, 17 में प्रॉफिट था 60,000 का, 18 में प्रॉफिट कितना हो गया 90,000 का, मतलब 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ हमें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बता सकते हम कितना, 30,000। अब एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम का और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आइटम्स के। तो BR बिल्स रिसीवेबल्स क्या है, कैश इक्विवेलेंट में आ गया है। बेटा BR कैश इक्विवेलेंट में लिया है, एक मिनट। फिर डेप्रिसिएशन देखो, 90,000 से कितना हो गया 96,000, नॉन कैश आइटम है, एड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 6,000 का। फिर इसके बाद रेंट पेबल, ये तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, करंट लाइबिलिटीज है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, करंट एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा। गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट से अगर राइट ऑफ हो रही कम हो रही तो लेंगे, 60,000 की गुडविल कितने की हो गई, 48,000 की, मतलब 12,000 से गुडविल राइट ऑफ कर दिया था ठीक है। तो इसको हमें वापस एड करना पड़ेगा, एक्चुअल में कैश गया नहीं, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं गुडविल रिटर्न ऑफ करा है आपने, कितना था 60,000 से कितनी कर दी थी 48,000, 48,000, मतलब 12,000 का रिटर्न ऑफ एड बैक कर देंगे। और कुछ पेटेंट या इंटेंजिबल असेट से नहीं, डेटर्स करंट असेट से। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 18,000 प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, 48,000। इसको हम क्या बोलेंगे, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में देखते हैं, सबसे पहले आउटस्टैंडिंग रेंट, करंट लाइबिलिटीज देखो, कितना देना था रेंट, 4,800 रुपए देना था, और अब कितना देना है, 12,000 देना है, मतलब पिछले साल का तो दिया ही नहीं था और इस साल का और उधार कर लिया, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि लाइबिलिटीज बढ़ गई, कैश हमारे पास अभी रखा है, और यहां पर एड कर देंगे हम, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, 4,800 से 12,000 हो गया, 4,000 यहां पर माइनस कर देते, 12,000 माइनस 4,800 कितना हो रहा, जीरो ठीक है, 7,200 से कन्फर्म। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, 4,200 था इंश्योरेंस पिछले साल का, अब कितने का बचा, 3,600 रुपए का, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल हमने इंश्योरेंस कम का करवाया, 600 रुपए क्या क्या हमारे लिए, क्या ये हमारे प्लस होगा, हाँ प्लस होगा ना बेटा, क्योंकि ये क्या असेट्स का हो रही कम हो रही, करंट असेट्स
एड डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 600 रुपए से बता दो 4200 से माइनस 3600 इनफ्लो क्यों होगा बेटा पिछले साल आपने बीमा कितने का करवाया था 4200 तो पिछले साल हमने कितना कैश दिया था 4200 मतलब लास्ट ईयर हमने कैश ज्यादा दिया था और इस साल कैश हमने कम दिया 3600 रुपए तो 600 रुपए का हम क्या मानेंगे यहाँ पे इनफ्लो हुआ फिर डेटर्स कितना देना था डेटर्स को डेटर से 42,000 रुपए लेना था और अब कितना लेना है 54,000 मतलब माइनस क्यों करेंगे क्योंकि अब हमने और उधार दे दिया उनको तो कैश का आउटफ्लो बढ़ गया हमारा तो इससे क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा लेस करना पड़ेगा क्या बेटा बढ़ गया ना आपको पहले कितना लेना था उससे 42,000 लेना था ना 42,000 और अब कितना लेना 54,000 डेटर्स है ना बेटा देना कैसे होगा डेटर्स क्या है करंट एसेट से ना डेटर्स कौन जिनको उधार बेचते क्रेडिट सेल करते हैं उनसे पैसा लेना रहता है पहले उससे प्रिंस से 42,000 रुपए लेना था कितना लेना है 54 लेना इसका मतलब उसको आपने और उधार दे दिया था तो आउटफ्लो हुआ ना आपका इंक्रीज इन डेटर्स कितना है 12,000 हजार है कि सोए हजार अच्छा हजार हाँ ठीक है हाँ भाई नहीं सही में उसने उधारी से मेरे को एक चीज याद दिला दी मैं कुछ भूल गया था चलो कितना हुआ 21,800 क्या है ये तो माइनस में आएगा ना बेटा लेस है ना तो माइनस का साइन तो लगाएंगे अब कहाँ से जोड़ेंगे जोड़ मैं गलत रास्ते में तो तूने मेरे को और धक्का लगा दिया इसका मतलब ये नहीं बताना था सर यहाँ पे लेस लिखा तो बोल दो ब्लैक एंड में लिखो पहले अब करो ना 4,200 कितना आ रहा है इसका 7,800 12,000 में से माइनस कर देते हैं 7,800 को तो 0,0 ठीक है 2 और यहाँ पे 4,200 रुपए का आउटफ्लो जा रहा माइनस में वो 10,000 का होगा बीआर का एक बार चलो देख लेते ना ठीक है अब कर लो एडजस्टमेंट 10,000 का तो बेटा होगा क्यों होगा क्योंकि बीआर हमारे लिए क्या है हमारी करंट असेट से कैश इक्विवेलेंट में नहीं आता है तो मुझे कैश इक्विवेलेंट बोल के थोड़ा सा देख लो एक बार अपन कर चल देख ये कितना आ रहा अभी एक मिनट बीआर देखो कितना लेना था पहले 42,000 लेना था अब कितना लेना 54 लेना है मतलब 12,000 से क्या हुआ बिल्स रिसीवेबल्स इंक्रीज हो गए है ना तो ये भी क्या होगा लेस होगा इंक्रीज हो गया ना मतलब हमने और दे दिया इंक्रीज इन बीआर कितना था 42,000 से 54,000 हो गया 54,000 तो ये भी हो गया माइनस का 12,000 तो माइनस का 24,000 ना और प्लस का 7,800 ठीक है फिर कितना है 3,13 में से 7 गए तो 6 बचा है ना कुछ ये तो क्या 16,200 किसका माइनस बेटा माइनस माइनस किया हुआ प्लस तो 24,000 माइनस का और ये कितना है 7,200 प्लस 600 7,800 अब माइनस करके देख लो 24 में से 7,800 को
7800 को, 0 0 10 में से 8 गया 2, ये क्या बचा 13, 13 में से 7 गया 6 और 1 की 1 आ गया, माइनस का साइन लगेगा, 16200। मतलब इनफ्लो कितना था 48000 का और आउटफ्लो कितना है 16200 का, तो जो बचा वो हमारा आंसर, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और ये कितना है 3, 2 का से ना, तो 31800 हमारा क्या होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तब कुछ नहीं, टफ एक ही चीज लगती है यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ 31000, उसको कैश इक्विवेलेंट बोल के थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन में डाल दिया कि मैंने कब बोला यार कैश इक्विवेलेंट, किसको? हाँ ठीक है, एक मिनट आप बताओ पहले पेज नंबर क्या है, तो बच्चों को जो देख रहे हैं उनको भी पता चल जाए। 637 अच्छा इसमें तो यहाँ पर गलती हो गई है, अपन तो नहीं करे ना, बीआर को उसने ले लिया, कैश इक्विवेलेंट में नहीं लेना चाहिए था, करंट असेट से कैश के समान क्यों माना जाएगा उसको, बीआर को बीआर नहीं होता, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, और वो मार्केटेबल सिक्योरिटी जिसको आज चाहे तो अपन आज कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने 11 में करा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स। बीआर कौन देता है? डेटर्स, जिससे अपने को पैसा लेना है, तो उस टाइम कोई प्रोमिसरी नोट कोई बीआर दे दिया बनाकर कि भैया आफ्टर 3 मंथ में आपको पेमेंट दे दूंगा, तो बीआर 3 महीने बाद कैश में कन्वर्ट होगा, इमीडिएट थोड़ी ना होगा। हाँ तो इसको तो हम करंट असेट्स ही मानेंगे, और अपने बीआर में लिखा भी है करंट रेशो में 42 लेना था, अब 54 लेना, इसका मतलब 12000 रुपए का हमने और उसको उधार ट्रांजेक्शन कर लिया। हाँ वो गलती हुई ना मिस प्रिंट, सुधारना उसको। चलो अब ध्यान दो, अब वापस प्रॉब्लम तो आ रही है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस में बहुत दिक्कत आ रही है। एक लाइन जो आपकी वर्किंग कैपिटल चेंजेस की प्रॉब्लम को सोल्व कर देगी, तो मैं दोनों तरीके के सोर्स रखता हूं कि अगर ऐसे नहीं आया तो कोई और, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है ना, आई सी एल, आई सी यू आता ना, है ना, आई पी एल भी आता, तो आई पी एल की जगह हम आई सी एल कर देते पहला, आई सी एल एड ठीक। आई सी एल का मतलब पता है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, तो ठीक इसका अब अपोजिट बोलना है ना, हाँ आई सी एल लिख दिया ना, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एड, केवल एक चीज आ गई तो इस हिसाब चारों बना सकते हो, ठीक है। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी से एड होगा, तो दूसरा एड में क्या होगा, इंक्रीज का अपोजिट क्या है, डिक्रीज इन करंट असेट, लाइबिलिटीज का अपोजिट असेट्स, ठीक है। तो ये दो चीज एड का आ गया, अब दो चीज एड है तो फिर दो चीज क्या होगी, लेस, लेस भी क्या ठीक इसके अपोजिट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एड है तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज इन डिक्रीज इन करंट असेट्स है तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट्स। ये कहां पे लिखेंगे अपन, जब भी एग्जाम देने आएंगे क्वेश्चन आता है तो सबसे पीछे रफ वर्क में 4 लाइन लिख देंगे, ठीक है। अब हमें करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज पहचानना आना चाहिए, जो हमने करंट रेशियो में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कॉस्ट बी टू और सीवीडी सी पार ना, और कन्वीनियंस के लिए करना तो पीछे रफ वर्क में पहले कॉस्ट बी टू सी टू को आप क्या कर लो, वो प्रोनाउंस मतलब पूरा एक्सप्लेन कर लो। करंट लाइबिलिटीज में क्या, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो सब लिस्ट बना लो, करंट असेट्स की लिस्ट बना लो। अब जानकारी, अब आपको पता आउटस्टैंडिंग रेंट हमारे लिए क्या है, करंट लाइबिलिटीज। अब देखो लाइबिलिटीज क्या हो रही है इस क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो देख लो क्या है, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एड होगा तो एड कर देंगे, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि हमें पता है लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही तो क्या करेंगे, एड करेंगे,
तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी से, फिर आप क्या करो पेपर पे हल्का सा प्लस बना लो उसके ऊपर कि आउटस्टैंडिंग को क्या करना है, प्लस करना है, क्लियर है। फिर दूसरे में क्या, प्रीपेड इंश्योरेंस, आपको पता प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हमारी करंट असेट्स है, अब क्या इंश्योरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, तो देखो डिक्रीज करंट असेट्स का है, ये डिक्रीज इन करंट असेट्स को भी क्या करना है, एड, तो यहाँ पर अपन ने एड कर दिया, मिल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिर प्लस कर देते हैं, और फिर ये दो माइनस करना, क्या डेटर्स क्या हो रहे, कम हो रहे, क्या बढ़ रहे, इंक्रीज हो रहे, तो इंक्रीज है लिखा इंक्रीज इन डेटर्स करंट असेट्स, इसको क्या करना लेस, तो यहाँ पर आ गया लेस वाला, और बी आर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी क्या करेंगे, इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो ये सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इस तरीके से करोगे तो आ जाएगा, दो तरीके मैंने बता दिए, पीछे जाके सबसे पहले इसको अपन क्या कर लेते, कर लेते, केवल एक चीज तो याद करना आईसीएल, दो बार एड दो बार लेस, अब आईसीएल इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, तो इसका अपोजिट डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज का अपोजिट करंट असेट्स, दो पॉइंट ए बन गया, तो दो इसी के अकॉर्डिंग फिर हम बना सकते लेस वाला, ये कर लोगे तो भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। और करना है तो और शॉर्ट बना सकता, तो आईसीएल और डीसीए, एक वो भी होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए का, तो ये दो एड आएगा, ये दो बन गए तो बाकी के दो भी बन जाएंगे, मतलब ये चार लाइन अगर स्टार्टिंग के बना लोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है बेटा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो मैंने आपको पहले होमवर्क में दिया था, डायरेक्ट मेथड का है ना, कैलकुलेट करना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018, 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण बनाइए। कैश सेल्स दे दिए, कैश ट्रांजेक्शन दे दिए, तो पता चल गया है आपको डायरेक्ट मेथड से लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता तो इनडायरेक्ट मेथड से होता। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय डायरेक्ट मेथड। चलो बेटा सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कैश इनफ्लो का फर्स्ट नंबर पे कैश रिसीप्ट्स या कैश इनफ्लो, जो आपको देखना है वो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिसीप्ट्स लिखो या इनफ्लो लिखो, फिर आउटफ्लो में लेस कर देंगे, कैश पेमेंट कर दो। चलो कैश रिसीप्ट में क्या है, सबसे पहले कैश सेल्स, हमने नगद बेचा है, कैश सेल्स कितने का, 1,00,000 रुपए तो नगद बेचने पर आए, फिर रिसीव्ड हुआ डेटर से 5,00,000 रुपए, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 5,00,000, और क्या है कमीशन रिसीव्ड हुआ, ये भी हमारे लिए क्या ऑपरेटिंग है आइटम, तो फिर क्या कमीशन रिसीव्ड कितना 50,000, और कोई सी रिसीव्ड है क्या देख लो, ने पेमेंट टू सप्लायर्स लेस में जाएगा, ये भी कैश परचेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी को नहीं लेंगे क्योंकि करंट लायबिलिटी से पेमेंट नहीं हुआ है, और कैश पेमेंट में सैलरी अलग से दे दी है, रेंट और इंश्योरेंस इनका पेमेंट करा है, फ्लड रिलीफ सेटलमेंट, बाढ़ क्षतिपूर्ति सहायता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, टैक्सेबल इनकम दे दी है, इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये टैक्स एडजस्टमेंट में आएगा, बस कंप्लीट है। मतलब कैश रिसिप्ट कितना हुआ आपको टोटल 6,50,000 का कैश रिसिप्ट माना जाएगा, 6,50,000। अब इसमें से हम क्या कर देंगे, लेस करेंगे कैश पेमेंट को, कैश पेमेंट, पेमेंट या आउटफ्लो भी बोल सकते हो आप। सबसे पहला क्या है, इसमें पेमेंट करा सप्लायर्स को 2,00,000 का,
पेमेंट टू सप्लायर्स, सप्लायर्स भी बोल सकते बेटा या क्रेडिटर्स भी बोल सकते इनको, 2 लाख का पेमेंट। फिर अगला पेमेंट कैश परचेस करा हमने 20,000 का, कैश परचेस नगद खरीदी कितने की 20,000 की। और क्या है, कैश पेमेंट करे हमने कुछ, सैलरी रेंट एंड इंश्योरेंस तीनों मिला के 24,000 पेड करे, तो थर्ड नंबर पे बता दो। ये तो अपन ने लिख ही दिया ना, यहाँ पे लिख दो सैलरी रेंट एंड इंश्योरेंस पेड कितना, 24,000 का पेमेंट करा, कितना 2,44,000, 2,44,000 का पेमेंट करा है। तो हमारे पास कैश आया था 6,50,000 और गया 2,44,000, कितना बचा कैश ना 4,06,000 का। इसे हम बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हम क्या करते हैं, लास्ट में लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। रीजन है बाढ़ आई थी, बाढ़ क्षतिपूर्ति तो लोगों ने क्या वहां से सहायता मिली, तब उस पर टैक्स थोड़ा ना लेगी, वो तो पहले ही डूबा हुआ था बिजनेस, इसलिए उल्टा सरकार ही देनी ना, वो तो लेस कर देंगे इसमें क्या है, इनकम टैक्स है ना। इनकम टैक्स किस पे लगेगा, टैक्सेबल इनकम पर। टैक्सेबल इनकम कितनी 80,000 पर 30%, 24,000 ना, इसको सीधा बाहर कर दो 24,000, तो कितना हुआ 0,0 ठीक है 2,03,82,000। इसे हम बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में क्या है ना, फ्लड रिलीफ ना फंड, ये सेटलमेंट मिला ना, ये सेटलमेंट है। सेटलमेंट कितना मिला, 13,000 रुपए की बाढ़ क्षतिपूर्ति सहायता मिली है, तो इतना कैश और आ गया, तो कितना हुआ 3,95,000, 3,95,000। इसे बोल देंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये वाला जाए तो इसको तो मत छोड़ना, और वैसे वो भी नहीं छोड़ना, आपको प्रैक्टिस कर सकते हो जाएगा ना बेटा, प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। मैंने आपको दूसरे मेथड भी बता दिए, वो इंक्रीज डिक्रीज वाले, आप एक बार पीछे रब वर्क में बना लो तो भी चलो ठीक है। दोनों मेथड क्लियर करो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9। ठीक करो, जल्दी करो, क्या हुआ, अच्छा कर लिया था ये पहले, इसके नीचे नोट भी लिख लेना, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम क्या करेंगे इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। चलो बेटा हो गया। अभी इसमें देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 5, 6 है ना, 8 नंबर का, 9, 10 5, 6, 8, 9, 10 10 के बाद 12 नंबर और 13 नंबर, 7 तो बोला ही नहीं बेटा, 5, 6, 8, 9, 10 12 और 13
इसमें अभी 10 नंबर का अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा है। इसमें कुछ भी नहीं है, एक ही चीज दे रखी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, नॉन कैश आइटम तो है नहीं। अभी तक तो इनफ्लो ही आया, आउटफ्लो भी आ सकता है एक आधे क्वेश्चन में, मतलब हमारा आंसर माइनस में हो सकता है, देख लेते इसमें आउटफ्लो है क्या। क्वेश्चन नंबर 10, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है बाय इनडायरेक्ट मेथड से। बड़ा इसमें क्या दे रखा है, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दे दिया है। 17 में 2,40,000 का सरप्लस था और अब कितना, 2,20,000 का, मतलब यहाँ पे लॉस बता रहा है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट माइनस 20,000 में। तो लिख लो इसमें हेडिंग वही डालो जो क्वेश्चन में दे रखा है, सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये क्या बता रहा हमें, नेट लॉस बता रहा है, कितना 20,000 का लॉस है, लॉस इसलिए माइनस में ब्रैकेट में। ठीक, फिर अगला डेटर्स करंट असेट्स है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लाइबिलिटीज है, गुडविल अगर राइट ऑफ हुई होगी तो लेंगे, लेकिन देखो 1,52,000 की गुडविल कितनी हो गई है, 1,60,000 की, ये अमोर्टाइज हो गई है, बढ़ गई है, बढ़ गई है तो नहीं लेंगे, है ना, ये तो सोचेगी बढ़ गई तो माइनस कर दो, बिल्कुल नहीं, है ना, राइट ऑफ होता है तो ही माइनस, क्योंकि रिटर्न ऑफ को हम क्या कर देते हैं, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट साइड बता देते हैं, एक्सपेंस बताते हैं, लेकिन बढ़ जाती है तो उसको हम इनकम नहीं बता सकते, क्या नहीं बोलता, हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बड़ी ये बता दी हमने 1,60,000 से, ठीक है, एक्चुअल में कुछ तो ही होता है, इंटेंजिबल असेट से ये, है ना, एक तरीके से लगता है कि यार हमने लास्ट ईयर ज्यादा कम कमाया था, इस साल ज्यादा कमाया, अर्निंग कैपेसिटी अब बढ़ गई है, अमोर्टाइज कर दो गुडविल को, क्या अमोर्टाइज का मतलब होता बढ़ा देना उसकी कीमत, है ना, इसको इसलिए बढ़ा दिया जाता है कि यार कोई नया पार्टनर आएगा एडमिशन के टाइम तो हम उससे ज्यादा गुडविल चार्ज कर सकते हैं, है ना, या कंपनी सेल आउट कर रही है, इसकी शेयर वैल्यूज पे क्या होता है, थोड़े इफेक्ट पड़ जाते हैं, है ना, तो इसको नहीं लेंगे हम, अगर गुडविल कम होती है, गुडविल क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तो ही इसको हम ऐड करते हैं नॉन कैश आइटम में, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो यहां पर हम क्या करते थे, पहले अगली हेडिंग क्या थी, एडजस्टमेंट ना ऑफ नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ऑपरेटिंग आइटम, तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसे ही हम बोल देंगे 20,000 के माइनस को, है ना, कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया भी है, मैंने आपको पहले बोला था इसमें कोई नॉन, ये नॉन कैश एडजस्टमेंट ज्यादा आता ही नहीं है आपको, या तो डेप्रिसिएशन या राइट ऑफ आएगा एक दो। फिर इसके बाद देख लो आप, डेटर्स कितना लेना था, 1,24,000 लेना था डेटर्स, ये लॉजिक से भी आ जाएगा बेटा, कोई टफ नहीं है, देखो डेटर से कितना लेना था आपको, 1,24,000, अब कितना लेना, 1,00,000, इसका मतलब 24,000 उन्होंने दे चुके मतलब कैश आया, एड हो जाएगा, ये का टफ लगता है, तो बहुत आसान लगता है, नहीं तो वो चार बनाओगे तो टाइम लगेगा ना, तो क्या हुआ, डेटर्स कम हुए, डिक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स कम हो गए ना बेटा, कितने के हो गए, 24,000 से कम हो गए, ये मिल चुके है ना, मिल चुके इसलिए तो कम हुए। फिर आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी से, पहले कितना देना था हमें किराया, 84,000 किराया देना था आपको, और अब कितना देना, 48,000 देना, इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट 36,000 है वो हमने दे चुके होंगे, दे चुके मतलब कैश गया, लेस होगा, तो लेस कर देते, क्या हुआ, कम हुआ ना, ये डिक्रीज इन लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम होती उसका मतलब क्या, हमने पेमेंट कर दिया है, डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट,
कितने से? 36,000 से माइनस, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर अगला गुडविल का तो हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस लास्ट ईयर हमने कितने का करवाया था? 6,000 का, 8 का से, सॉरी, अच्छा ऊपर वाला है, मैं नीचे वाला देख लिया था ना। अरे ऊपर का और नीचे का देखो सेम लिखा हुआ है, केवल अमाउंट चेंज है। डेटर्स आउटस्टैंडिंग, गुडविल, प्रीपेड, क्रेडिटर्स, तो कंफ्यूजन हो गया ना। प्रीपेड इंश्योरेंस हमने देखो लास्ट ईयर 8,000 का इंश्योरेंस करवाया था, इस साल हमने 16,000 रुपए का इंश्योरेंस करवाया, मतलब लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल हमने 8,000 रुपए ज्यादा उठाए, तो 8,000 ज्यादा कैश गया ना हमारी जेब से, ये तो आउटफ्लो है माइनस। तो बस ये लेस करके आप लिख सकते क्या हुआ, इंश्योरेंस बढ़ गया, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से बढ़ गया? 8,000 से। अब कंफ्यूजन है कि सर लेस लिखना और इस पे इंक्रीज लिखना अपोजिट में, तो थोड़ा सा वो रहता है। अब सबका माइंड सेटअप रखना कि क्या है कि बढ़ गया है, इसका मतलब हमने बढ़ा दिया। अगर स्टॉक 50,000 का, आप कितने का हो गया? 80 का, मतलब 30 का और खरीद लिया, खरीद लिया तो और कैश गया होगा। अब इसमें देखो क्या है, क्रेडिटर्स कितना पेमेंट करना था? 76,000 देना था, अब कितना देना? 52,000 देना है, मतलब बाकी का दे दिया होगा, कितना दे दिया? 24,000 दे चुके होंगे, माइनस माइनस करना लेस। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितना है? 24,000 माइनस कर। चलिए हम तो बेटा ये समझ में आ गया, वो उसमें नहीं मिलेगी, उस पर तो आप फॉर्मेट में भी देखोगे तो इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज दे रखा, बच्चे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कर लेते। हमने यहाँ पे समझ लिया क्यों इंक्रीज है क्यों डिक्रीज है, तो पता चल गया इनफ्लो आउटफ्लो का। तो कितना कैश गया आपकी जेब से? कितना? 68,000 है ना, 36 और 24 60 और 8 68 68,000 गया और आया कितना? 24,000, 3,0,4,4, मतलब कैश कितना आउटफ्लो हुआ हमारे पास? 44,000 का आउटफ्लो हुआ, 44,000 का, ठीक है। तो देख लो कैश फ्लो तो हुआ ही नहीं, सब आउटफ्लो ही हो रहा, 20,000 का तो लॉस था ही और 44,000 का है, तो 64,000 यहाँ पर आ रहा हमारा माइनस में। यहाँ पर हम क्या लिखे? कैश आउटफ्लो है ना फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उस पर लिखा भी कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उनको भी पता है एग्जामिनर को कि बच्चों को टेंशन कहाँ पर आ रही है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, तो यही दो। आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा आपसे। चलो हो गया ये, हाँ बनानी पड़ी ना, कॉल आ गया था तो। चलो बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी नॉन कैश एडजस्टमेंट हो सकता, गुडविल वाला हो, देख लेते। 26,000-30,000 में भी गुडविल बढ़ रही है। आइटम सेम दे दिया, बस उसने एक चेंज कर दिया अमाउंट के साथ, ईयर को भी आगे पीछे कर दिया। बेटा आप देख सकते हो 11 नंबर के क्वेश्चन में पहले दिया मार्च 2018 और फिर दिया है मार्च 2017। सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस में 17 में कितना प्रॉफिट हुआ था? 56,000 का, और 18 में प्रॉफिट कितना हुआ? 46,046,000, मतलब प्रॉफिट कम हो गया 10,000 का, क्या है लॉस बता सकते है ना, कैश आउटफ्लो में बता सकते हैं। तो 10,000 का ये आउटफ्लो बता दिया अपन ने। नॉन कैश
आइटम में देख लो गुडविल का दे रखा, गुडविल अगर कम हो रही तो लेंगे और बढ़ गई है तो फिर नहीं लेंगे। देखो कितने की गुडविल थी, 26,000 की गुडविल कितने की हो गई, 30,000 की, 4,000 से बढ़ गई है तो लेना ही नहीं उसको, अमोर्टाइज हो गई है। अब देखते चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, मतलब हमारा आउटफ्लो, इसको लॉस मत बोलो यार, मतलब नहीं है, आउटफ्लो रहेगा 10,000, ठीक है। डेटर्स कितने के थे, 30,000 के डेटर्स थे, डेटर्स हमें कितना लेना था, 30 लेना था, अब कितना लेना है, 20, 10,000 मिल चुके होंगे, मिल गए, मतलब एड डेटर्स क्या हुए, कम हो गए, तो हम लिख देंगे डिक्रीज इन डेटर्स। कितना मिल चुका है डेटर्स से, 10,000 आया है, प्लस कर देते डेटर्स के बाद आउटस्टैंडिंग रेंट, 18,000 देना था, अब कितना देना, 11, 7,000 दे चुके होंगे, लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, कितना दे दिया, 7,000 दे चुके, ये माइनस कर दिए। फिर इसके बाद क्या बेटा, इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 का कराया था, आप कितने का करवा दिया, 6,000 का, मतलब 3,000 का इंश्योरेंस और करवा लिया, 3,000 गए, लेस हो गए, इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस कितने, 3,000 आउटफ्लो में। इसके बाद क्रेडिटर्स 22,000 देना था और अब कितना देना, 15,000 देना, इसका मतलब 7,000 का पेमेंट कर चुके हम, लेस करेंगे, क्या हो गया, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। आ रहा बेटा धीरे धीरे समझ में, नहीं बहुत सारे थ्योरी को ही पकड़ रहे थे ना कि नहीं सर हम तो वही करेंगे। कितना, 7,000 फाइनली कितना आउटफ्लो हुआ, ये तो जीरो हो गया ना, 10,000 माइनस का, 10,000 प्लस का जीरो, तो बचा क्या, 7,000, ये हो गया 7,000, मतलब नेट यहाँ पर भी आउटफ्लो हो रहा है 10,000 और 7,000, तो 17,000 का क्या आ रहा है यहाँ पर हमारा नेट आउटफ्लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मैं समझ गया था प्रिंस ये कहेगा, चल बता दो। बेटा 12 नंबर के क्वेश्चन को आपको एक बार घर से करके लाना पड़ेगा, इसमें भी नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं है, सब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का ही है, और एग्जामिनर भी एक ही चीज देता आपको बार बार, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, उनको पता है बच्चों को क्वेश्चन छोटा होगा लेकिन सर इसमें ज्यादा दुखाना पड़ता है उनको। ठीक है बेटा कर लेना, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा वैसे तो ही ना, ठीक है।